हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और अभी हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें कि हम लोग जो है ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और आज भी एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले दिनों में भी जो है बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनका यूज़ करके आप जो है अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो और अपने लॉसेस को कम से कम कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है ये। इस लिंक पर क्लिक करके जो है आप लोग अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो या फ़ोन नंबर डालो और जो है अकाउंट आपका बन जाएगा। और उसके बाद सेकंड ब्रोकर का लिंक है ये अपस्टॉक का, यहाँ पर अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर डालो, उसके बाद जो है आपका अकाउंट बन जाएगा। सपोर्ट जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा दोनों ही ब्रोकर्स के। और जितनी भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। इसमें जो है आप वन बाय वन वीडियोज़ चेक कीजिए और अगर कोई डाउट आता है माइंड में, जो कि डेफिनेटली आएगा, तो ये दो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के, यहाँ पर आके ज्वाइन की जो है यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछिए या फिर जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज का जो मेथड है वो कौन सा है, पुट रेशो बैक स्प्रेड। लास्ट वीडियो में हमने जो है कॉल रेशो बैक स्प्रेड के बारे में बात की थी और आज जो है हम लोग पुट रेशो बैक स्प्रेड के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ निफ्टी का जो है मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है, वीकली ऑप्शन चेन है। 13 अगस्त की एक्सपायरी की स्पॉट प्राइस कहाँ पर है, 11,312 के ऊपर जो है स्पॉट प्राइस चल रहा है, जो कि मैंने मार्क करके यहाँ पर रख लिया है। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर होता क्या है और इस स्ट्रेटजी को हमें कब यूज़ करना होता है, इस स्ट्रेटजी को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारा जो है बेरिश व्यू हो कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा हम नीचे जाने वाली है। जैसे कि कोरोना का इवेंट स्टार्ट हुआ था और जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पर पता था सब कुछ बंद होने वाला है, तो उस टाइम पर अगर हम जो है इस मेथड को यूज़ करते तो हमारा जो है प्रॉफिट कन्फर्म ही था, बिकॉज मार्केट पूरा का पूरा बंद था और जो है मार्केट ने क्रैश होना ही था। तो ऐसे टाइम पे या फिर किसी कंपनी की जो है क्वार्टरली रिपोर्ट आ रही है तब भी हमें पता है कि मार्केट में जो है मूवमेंट आने वाला है किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं इस मेथड को। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं सिंपल सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें दो स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करने होते हैं। ये फर्स्ट स्ट्राइक प्राइज है जिसको हमें जो है सेल करना होता है और ये सेकंड स्ट्राइक प्राइस है जिसकी दो क्वांटिटीज़ को हमें बाय करना होता है। ये मेथड जो है हमारा होता है जब भी हम कॉल रेशो बैक स्प्रेड या फिर जो है पुट रेशो बैक स्प्रेड को यूज़ करते हैं। मतलब एट दी मनी को जो है हमें सेल करना होता है और OTM को जो है हमें बाय करना होता है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से हो सकता है, ये जो एट दी मनी है, जबकि हमें पता है इस बारे में कि कोई इवेंट आने वाला है तो मार्केट में जो वॉलीटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट रेंज में आके अटकेगा। तो इस मेथड को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा व्यू जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हो या फिर वॉलेटाइल व्यू हो कि मार्केट जो है वॉलेटाइल तो रहने वाला है, रेंज में नहीं फंसेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मार्केट एट दी मनी से नीचे रहता है तो भी जो है हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलता है, और अगर मार्केट OTM जो कि हमने बाय किया था उससे ऊपर जाता है तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। एट दी मनी के नीचे हम लोगों को लिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलता है और OTM के ऊपर जो है हम लोगों को अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लॉस कहाँ पर होता है, लॉस हम लोगों को रेंज के अंदर होता है। तो जब भी हमारा व्यू ऐसा हो कि भाई मार्केट के अंदर अभी वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट रेंज में रह सकता है, तब हम लोगों को पुट रेशो बैक स्प्रेड या कॉल रेशो बैक स्प्रेड को यूज़ नहीं करना होता है। तो अब मेथड को देख लेते हैं, मैंने बता दिया है क्या क्या हम कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम सिनेरियोज़ को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन चेन मैंने खोल रखी है, यहाँ पर जो है स्पॉट प्राइस 11,312 का चल रहा है, तो एट दी मनी कौन सा बनेगा, 350 का जो है इसका एट दी मनी बनेगा जिसका प्राइस चल रहा है 93। इसकी एक क्वांटिटी जो है हम लोगों को सेल करनी है। जब भी पुट रेशो बैक स्प्रेड की बात करते हैं तो हम जो है पुट वाली साइड को देखते हैं और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड की बात करते हैं तो हम लोग जो है कॉल वाली साइड को जो है बाय या सेल करते हैं। तो अभी ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड है तो यहाँ पर जो है हम लोगों को बाय करना है और यहाँ पर बाय और सेल का मतलब हमारा क्या होगा, टोटल व्यू हमारा होगा या तो मार्केट 11,350 से ऊपर की साइड रहने वाली है या फिर जो है 11,150 से नीचे की साइड पे जो है मार्केट रहने वाली है, ये हमारा व्यू होने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 11,350 की एक क्वांटिटी सेल करनी है यहाँ पर जिसका जो है LTP चल रहा है 93 का, और ऊपर वाली साइड पे 200 पॉइंट छोड़ के जो है हम लोगों को 11,150 की दो क्वांटिटीज़ को जो है बाय कर लेना है पुट वाली साइड पे, पी जो है हम लोगों को बाय कर लेना है। तो सिंपल सा मेथड है। अब यहाँ पर हमें लॉस या प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है ये हम लोग जो है देख लेते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर ATM का जो
हमें प्रॉफिट मिलने वाला है जो कि हमारा होने वाला है 6,900 के करीब, और जो हमें दो क्वांटिटीज को पे करके जो हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो होने वाला है 3,300 का। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें 49 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर जो है, हमें 49 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है जो कि हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट जब 11,350 से नीचे रहता है तो जो है ITM के अंदर ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो होता है जब मार्केट 11,300 के नीचे की साइड पे रहेगा तो हम लोगों को इतना प्रॉफिट तो देखने को मिलने वाला ही है। फिर चाहे वो 12,000 चला जाए, 13,000 चला जाए या जितना भी नीचे चला जाए, इतना तो प्रॉफिट हम लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलने वाला है। ITM के अंदर नहीं होता और जो है ATM के अंदर भी नहीं होता और उससे ऊपर होता है, तो मार्केट में हमें कितना लॉस देखने को जो है मिलने वाला है। सबसे पहले हम ब्रेक इवन देख लेते हैं क्योंकि ब्रेक इवन आता है इसके बाद ब्रेक इवन आएगा यहाँ पर 11,301 के ऊपर, जो कि हमें 49 पॉइंट्स माइनस करने के बाद जो है मिलता है। यहाँ पर जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होने वाला है। इसके बाद जो है हमें जो है हाइयर स्ट्राइक प्राइस पे जो कि होगा 11,250 का, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा लॉस देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद फोर्थ सिनेरियो जो होने वाला है उसके अंदर जो है हमें मैक्सिमम लॉस हम लोगों का जो हो सकता है इस मेथड को यूज़ करके वो हमें 11,150 के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि हमारा सेकेंड लेग है। सेकेंड लेग के ऊपर जो है हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है। इसके बाद जो है इस मेथड के अंदर दो ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं, एक तो जो है 11,301 के ऊपर हम लोगों को देखने को मिला जो कि 49 पॉइंट्स माइनस करके हुआ, और उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होता है यहाँ से 11,150 के नीचे की साइड पे, तो यहाँ पर जाके भी जो है एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि इस मेथड को यूज़ करके अभी के टाइम पे अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो होने वाला है 10,960 का ब्रेक इवन पॉइंट अपर साइड के ऊपर। और इसके बाद जो है लास्ट सिनेरियो जो इस मेथड को यूज़ करके हमारा बनता है वो है कि लोअर स्ट्राइक प्राइजेस पे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसके नीचे की साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं वहाँ पर जो है हम लोगों को अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा 10,950 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, फिर जो है 10,850 पे कितने का हो रहा है। इस तरीके से ये और नीचे की साइड जाएगा तो ये प्रॉफिट जो है बढ़ता रहेगा। तो सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा आपको जो है दिमाग इसमें नहीं लगाना है। एक स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है और एट दी मनी को सेल करना है, और OTM को जो है दो कॉन्ट्रैक्ट हमें जो है बाय करने हैं। सिंपल सा मेथड है। अभी भी कोई डाउट है पुट रेशियो बैक स्प्रेड को लेके या फिर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड को लेके, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या ग्रुप में आके भी जो है क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।